नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 बेहतरीन शेयर के बारे में जो आपको आने वाले समय में ग्रोथ भी देगा, साथ ही साथ काफ़ी अच्छा डिविडेंड देता है। इसमें कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 5% 10% तक का डिविडेंड यील्ड है और साथ ही साथ इसमें ग्रोथ है। वैसे स्टॉक नहीं है जिसमें मतलब समय के साथ ग्रोथ ना हो, सिर्फ डिविडेंड देता हो, वैसे स्टॉक को मैंने इस वीडियो में नहीं शामिल किया। इसमें सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जिसमें ग्रोथ भी मिलेगा आपको, साथ साथ आने वाले समय में अच्छा खासा डिविडेंड देगा। अभी भी डिविडेंड मिल रहा है इसमें अच्छा खासा। पहला स्टॉक जो है हमारा वो है टिमकेन इंडिया लिमिटेड। दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से ये एक है क्योंकि ये बिल्कुल डेट फ्री स्टॉक है और टिमकेन इंडिया देखिए करेंट प्राइस है 1353 रुपया और स्टॉक जो है मैक्सिमम ईयर में जो रिटर्न दिया है वो काफ़ी सॉलिड है। देखिए जो भी स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे वो मैक्सिमम ईयर में आप जब उसको होल्ड करेंगे तो अच्छे खासे रिटर्न देंगे, 2000% का रिटर्न। लेकिन ये भी याद रहे स्टॉक में कभी भी इसका फंडामेंटल्स अगर खराब हो जाता है तो आपको स्टॉक जहां पे भी प्राइस हो वहां निकलना पड़ेगा। तो जब तक फंडामेंटल अच्छे होते हैं तभी तक आपको उस कंपनी में बने रहना है। दूसरा है नर्मदा जेलटाइन लिमिटेड, ये भी दोस्तों काफी बेहतरीन स्टॉक। हम इसमें जो भी स्टॉक शामिल किए हैं जो कि मिड कैप स्टॉक है वो बिल्कुल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, काफी कम डेट है। अगर लार्ज कैप स्टॉक्स है उस पर थोड़ा सा जो ब्लू चिप कंपनी है उससे थोड़ा सा डेट है तो भी चलेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है, सेल्स कंपनी बड़ा होता है, मार्केट में वो लीड करता है, कंपनी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पकड़ होता है। तो ये जो कंपनियां हैं 2 स्मॉल कैप 3 स्मॉल कैप कंपनियों को मैंने शामिल किया है, स्मॉल कैप मिड कैप, तो ये बिल्कुल कम डेट वाली कंपनी है, मतलब फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें जब गिरावट होता है तभी इन्वेस्ट करना है, कभी भी हायर लेवल पर आप ट्रेप मत होइए। देखिए इसका करेंट प्राइस है 175 रुपीज और मैक्सिमम ईयर में बात करें तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, 223% का रिटर्न है, कुछ खास नहीं है। लेकिन ये स्टॉक 2010 से ही लिस्टेड है, 2009-10 से, तो अभी तक ये कुछ खास रिटर्न नहीं दिया लेकिन फंडामेंटली काफ़ी सॉलिड है। चार्ट भी आप देख सकते हैं काफ़ी सॉलिड है। चार्ट सॉलिड क्यों कहते हैं, अगर ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे तो इस चार्ट को वीक माना जाता है। तो अगर ये एक बार यहाँ प्रीवियस लो को बिक किया है तो दोबारा ये क्रॉस नहीं किया है, मतलब यहीं पर कंसोलिडेट हो रहा है। इसको कहते हैं टाइम वाइज करेक्शन, जो करेक्शन काफ़ी लंबा चल रहा है। अगर इस हाई को क्रॉस करता है तो फिर ये स्टॉक माना जाएगा कि काफ़ी बुलिश है। अगर इस हाई को जो प्रीवियस हाई इसको क्रॉस नहीं करता है तो माना जाएगा ये स्टॉक अभी साइडवेज है। तो साइडवेज स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, जब स्टॉक बुलिश हो जाएगा तब करना है। तो ये स्टॉक अभी काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहा है, अगर यहाँ से कभी भी ये बुलिश होता है तो आपको इन्वेस्ट करना है। जब तक ये साइडवेज है तब तक आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगला है ओरिकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और ये देखिए करेंट प्राइस है 3502 रुपीज और ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है और इसका जितने भी स्टॉक देख रहे हैं सबके जो डिविडेंड यील्ड है आपको काफ़ी शानदार मिलेंगे। ये देखिए 1500% का रिटर्न दिया। इस स्टॉक का भी चार्ट देखिए काफ़ी बुलिश है, यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस आया था जो ये ग्लोबल क्राइसिस था 2008-09 का, उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर ग्लोबल क्राइसिस, इसमें स्टॉक काफ़ी ज़्यादा क्रेश हुआ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी था, जहाँ पे भी क्रेश हुआ हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। जो भी स्टॉक मैंने लिया है यहाँ देखिए डिविडेंड 5% है, आपको जो भी स्टॉक हमने इसमें शामिल किया वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे प्राइस पर मिलेंगे, तो डिविडेंड देख सकते हैं 5% का है। तो उसी तरह जो हमारा अगला स्टॉक है वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। ये स्टॉक में भी देख सकते हैं काफ़ी मतलब हाई प्राइस पे हुआ करते लगभग 250 का 2000 ईस्वी में, वहाँ से क्रेश होकर ये स्टॉक आ गया मात्र 8 रुपीज़ 9 रुपीज़ पे, और देख सकते हैं यहाँ पर मात्र ये 8 रुपीज़ पे ये स्टॉक मिल रहा था, वहाँ 8 रुपीज़ आप देखिए ये जर्दी जो तय किया वो काफ़ी मतलब शानदार रहा है, 10000% का रिटर्न 2001 से 2021 के बीच। साथ ही साथ डिविडेंड देखिएगा काफ़ी शानदार है, डिविडेंड 2.49%, मतलब 2.5%। अभी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रैली कर चुका है देख सकते हैं, इसलिए आपको 2.5% नहीं तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो और काफ़ी ज़्यादा शानदार था। इसका डिविडेंड यील्ड 7-8% था जो पिछले बार डिविडेंड दिया है उसके अनुसार, अभी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक रैली कर चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं 250 से 700। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। ये स्टॉक हमारे पास शुरुआत 2018 से ये स्टॉक मेरे पास है, जब मैंने स्टॉक मार्केट का शुरुआत किया था उससे के कुछ महीने बाद इस स्टॉक को मैंने बाय किया था। अभी तक ये स्टॉक है, अभी भी मुझे उसमें कुछ गेन प्राप्त नहीं हुआ लेकिन डिविडेंड काफ़ी अच्छा मिल रहा है क्योंकि हमने हायर लेवल पर इस स्टॉक को बाय किया था। इसलिए कहते हैं कभी भी आपको हायर लेवल पर बाय नहीं करना है, जब स्टॉक में गिरावट हो तभी बाय करना है।
देखिए ये स्टॉक में हमने यहाँ पर हाइयर लेवल पर बाय किया था, जब स्टॉक गिरावट हो रहा है तब आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे ये स्टॉक यहाँ पर गिरावट मिल रहा है तो अभी लेना नहीं है, ये स्टॉक जब तक बुलिश नहीं होता है, जब तक यह देखिए आप ये बुलिश साइन दिखा रहा है, अगर स्टॉक बुलिश होता है तब आपको इन्वेस्ट करना है, अदर बाइक नहीं करना है, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे स्टॉक भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मतलब ये भी डिविडेंड देने वाले अच्छे स्टॉक में से है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं ये स्टॉक काफी यहाँ पर रैली किया, यहाँ के बाद यहाँ देखते हैं इसमें प्राइस वाइज करेक्शन है, ये टाइम वाइज नहीं है, ये प्राइस वाइज करेक्शन, क्योंकि प्राइस इसका काफी नीचे गिर चुका है। और देखते हैं यहाँ पर जो ये प्रीवियस यहाँ पर जो रेसिस्टेंस लेवल था, प्रीवियस देखते हैं यहाँ पर ये रेसिस्टेंस लंबे समय तक ये रेसिस्टेंस को भी ये ब्रेक कर दिया, ये प्राइस वाइज करेक्शन है, का जिस स्टॉक का प्राइस काफ़ी मतलब टूट चुका है, गिर चुका है, वो प्राइस वाइज करेक्शन है। तो ये प्राइस वाइज करेक्शन है, साथ साथ इसका भी डिविडेंड यील्ड देखिएगा काफ़ी शानदार है, इसका डिविडेंड यील्ड देखिए 10% है, तो काफ़ी शानदार डिविडेंड यील्ड, 10% का डिविडेंड मतलब 10% आपको डिविडेंड के रूप में मिलेगा, अगर साथ साथ ग्रोथ मिल जाए तो काफ़ी सॉलिड है। तो डिविडेंड सिर्फ मायने रखता है, जब तक ग्रोथ ना मिले तो डिविडेंड हमारे ऊपर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एक पीएसयू स्टॉक है तो अगर इस पीएसयू स्टॉक में डिविडेंड के साथ साथ ग्रोथ मिलता है तो काफ़ी बेहतरीन है, जरूर हम इन्वेस्ट करेंगे। अगला है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, करेंट प्राइस है 485 रुपये, ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है। अगर हम इन्फोसिस जैसे जैसे अच्छे स्टॉक जो काफ़ी ज़्यादा बोनस और डिविडेंड भी देता है उस स्टॉक को छोड़ दें तो उसके बाद ये दूसरा सबसे अधिक रिटर्न देने वाला है, क्योंकि ये भी कंपनी बोनस दी है 2-3 बार, लगभग 3 बार बोनस दी है पिछले 20 साल में, अगर पिछले 25 साल की बात करें 4-5 बार बोनस दिया है। बोनस से क्या होता है, हमारा जो कंपाउंडिंग होता है नंबर ऑफ शेयर्स में भी होता है, साथ साथ ग्रोथ में भी होता है, ये कंपनी ग्रोथ भी अच्छा दी है साथ साथ नंबर ऑफ शेयर्स जो वो भी कंपाउंड किए, देखते हैं 1500% का इसमें रिटर्न है, और इसका डिविडेंड देखिए काफ़ी शानदार है, 15% का डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं, तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है। तो ये कंपनियां आपको रेगुलर इंटरवल पर मतलब डिविडेंड के रूप में भी रिटर्न, आप 5% एफडी में लगाते हैं, ये भी हमारी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, मतलब हम सब लोगों की कंपनी है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके प्रमोटर्स हैं। इस स्टॉक में आप तब इन्वेस्ट करें जैसे आप यस बैंक में रिस्क लेते हैं, वैसे वैसे स्टॉक में रिस्क लेते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है, उससे अच्छा है कि ये स्टॉक में आप रिस्क लें, ये स्टॉक में ग्रोथ भी मिलेगा और 10% का तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ ये कंपनी इतनी सॉलिड है जिसके बिजनेस को अभी फिलहाल कुछ नहीं होने वाला है, पैंडमिक से प्रभावित हुआ है, लेकिन जैसे पैंडमिक सिचुएशन नॉर्मल होगा तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी देगा ये कंपनी। उसके बाद अगला कंपनी है आईटीसी, आईटीसी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, ये अभी 212 रुपीज़ इसका करेंट प्राइस है, ये भी स्टॉक देखिए मैक्सिमम ईयर में कुछ खास रिटर्न तो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ये कंपनियाँ क्योंकि पिछले कई सालों से अंडर परफॉर्म रहे, देख सकते हैं 330 रुपीज़ इसका प्राइस था, वहाँ से ये स्टॉक 200 पे मिल रहा है, 30% ये डाउन है स्टॉक अभी भी। देखिए आईटीसी मात्र 993% का रिटर्न है, जबकि बीपीसीएल 1500% का चार्ट पे दिखा रहा है, उससे भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, तो आईटीसी से कई गुना बेहतर है बीपीसीएल, आईओसी ये सारे स्टॉक, क्योंकि वो पीएसयू स्टॉक है, ये भी किसी पीएसयू स्टॉक से कम नहीं है, लेकिन फिर भी बीपीसीएल इससे काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। इसका डिविडेंड यील्ड देखिए 5%, ये डिविडेंड यील्ड आपको मात्र 2 साल से दिख रहा है, लेकिन फिर भी इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है, लगभग 2-3% डिविडेंड तो आसानी से देता है, जबकि बीपीसीएल 10-15% का डिविडेंड देता है, जो कि काफ़ी शानदार है। अगला है हमारा ब्रिटानिया इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, अभी फिलहाल जो रिसेंट टाइम है पिछले 1-2 साल से काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करती है ये भी कंपनी, तो ये भी स्टॉक आप ले सकते हैं, अभी करेंट प्राइस है 3574 रुपीज़, और मैक्सिमम ईयर में ये कंपनियां तो काफ़ी सॉलिड है, इसको तो मैक्सिमम ईयर में आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, क्योंकि इसके प्रोडक्ट भी मार्केट को लीड करते हैं, जो ब्रिटानिया बिस्किट्स है जिसका मार्केट में मोनोपोली है, तो ये कंपनी आने वाले समय में भी अच्छा कर सकती है, तो जब तक अच्छा करेंगे तब तक पोर्टफोलियो में रखेंगे, जैसे कंपनी के फाइनेंशियल में बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होता है पोर्टफोलियो से निकाल दीजिए, दूसरे स्टॉक को ऐड कीजिए। देखिए डिविडेंड 4.4%, तो इस कंपनी का भी डिविडेंड शानदार है, साथ साथ इस इन सब कंपनियों में हमें ग्रोथ निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी के मार्केट में मोनोपोली है, जैसे आईटीसी है उसके भी कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे सिगरेट के प्रोडक्ट हैं, होटल के प्रोडक्ट हैं, साथ साथ क्लासमेट की आप जो नोटबुक यूज करते हैं वो भी मार्केट में एक मोनोपोली रखता है, तो आईटीसी के कई सारे प्रोडक्ट जो मार्केट में मोनोपोली रखता है, इसलिए यह सारी कंपनियां जो है अगले 10 साल तक आपको अच्छा खासा रिटर्न देती रहेगी। अगर डिविडेंड देने में अगले नंबर पे है, मतलब हमारा जो टॉप 2 नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस को क्यों रखा है, क्योंकि ये अच्छा डिविडेंड भी देता है साथ साथ काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी देता है,
लेकिन याद रखिए ये भी स्टॉक एक तरह से साइक्लिक स्टॉक है, इसमें भी आपको जब गिरावट देखने मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट होती देख सकते हैं। ये भी स्टॉक 275 से यहाँ पर देख ले 2007 में गिरा और आ गया 140 पे, लगभग आधे प्राइस पे। देखिए यहाँ पर फिर से ये 2011 में 400 रुपये का था स्टॉक, वहाँ से गिर करके ये आ गया 287 का। फिर यहाँ पर देखिए 600 का स्टॉक गिर करके आ गया यहाँ पर 450 के आसपास। तो ये भी स्टॉक एक तरह से साइक्लिक है। देखिए 2000 ईस्वी में ये स्टॉक 189 पे था, वहाँ से गिर करके ये स्टॉक देख सकते हैं 44 का मात्र रह गया 2003 में। तो ये भी स्टॉक है जब मूव करता है तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देता है, साथ साथ गिरावट भी होती है अच्छी खासी इस स्टॉक में, मतलब करेक्शन भी अच्छा खासा होता है। आप देखिए मैक्सवेयर में मात्र 1400% रिटर्न, BPCL इससे ज़्यादा का रिटर्न दिखा रहा था। तो अगर आप इन्फोसिस में हायर प्राइस पर ले रहे थे तो कुछ खास रिटर्न आपको प्राप्त नहीं होता, लेकिन बोनस शेयर जो है वो आपके कंपाउंडिंग में काफ़ी बेनिफिट करता है, इसलिए आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिखता है इन्फोसिस में भी। देखिए 200 रुपीज़ का ये स्टॉक था, अभी 1400 का हुआ है, तो यहाँ पर रिटर्न कहाँ मिला? बोनस शेयर मिलने के कारण, बोनस शेयर कारण आपका नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी कंपाउंड हो गया। साथ साथ ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी पे करता है। देखिए डिविडेंड यील्ड 1.91%, लगभग 2% का डिविडेंड यील्ड है। अभी प्राइस लगभग 3 times हो चुका है, इसलिए डिविडेंड यील्ड आपको काफ़ी कम दिख रहा है। जैसे प्राइस करेक्शन होगा तो डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि जो करेंट प्राइस है उसके अनुसार डिविडेंड यील्ड होता है, तो 2% काफ़ी बेहतरीन है। अगला है हिंदुस्तान जिंक, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। अभी करेंट प्राइस 338 रुपीज़ है और इसका भी रिटर्न देखिए मैक्सिमम में काफ़ी सॉलिड है। मैक्सिमम में देख सकते हैं 428% का रिटर्न है, जो कि काफ़ी सॉलिड है। और यहाँ पर देखिए डिविडेंड यील्ड 6% का डिविडेंड यील्ड है, और ये कंपनियाँ काफ़ी शानदार है। लेकिन याद रखिए ये भी कंपनियाँ काफ़ी मतलब अप साइकिल और डाउन साइकिल में रहती। मेटल सेक्टर का स्टॉक है और वेदांता इसकी पेरेंट कंपनी है, तो काफ़ी सॉलिड हाथ में ये स्टॉक है, मतलब काफ़ी सॉलिड ग्रुप का ये स्टॉक है। और वेदांता जैसे डिलिस्टिंग का कोशिश भी किया गया कि मतलब इतनी सॉलिड कंपनी है कि उसे डिलिस्ट करने के लिए प्रमोटर सोच रहा है। ऐसे स्टॉक जब गिरावट मिले तो जरूर इन्वेस्ट कीजिए। 37 मतलब 300 का स्टॉक जो है गिर करके आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा था 137 पे, लगभग ये 137 पे मिल रहा है, लगभग 20 रुपये का डिविडेंड, 25 रुपये का डिविडेंड ये आसानी से दे देता है। अभी से देख लीजिए 6.3% निकाल दीजिए 380 का, तो लगभग आपको 20 रुपीज़ से एवब आएगा इसका डिविडेंड, मतलब 20 रुपीज़ से एवब एक शेयर पर डिविडेंड देता है, जो कि काफ़ी शानदार है। तो ये थे टॉप 10 स्टॉक्स। अब इसमें से कौन सा स्टॉक आपको ज़्यादा अच्छा लगता है उन दो स्टॉक में जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ज़्यादा फोकस आपका ग्रोथ पे होना चाहिए। इसमें भी लगभग सारे स्टॉक जो थे वो ग्रोथ ओरिएंटेड थे, ग्रोथ के अनुसार आपको ये डिविडेंड देगा। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा इसमें कौन कौन से स्टॉक आपके फेवरेट स्टॉक है और कौन कौन से स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है। हमारे पोर्टफोलियो में इसमें से इन्फोसिस है, IOC है और कोई भी स्टॉक अभी नहीं है। आगे हम BPCL को ऐड करेंगे, जैसे आज मैंने BPCL को बाय किया था, लेकिन देखिए हमारे अकाउंट में मार्जिन नहीं था, फिर मैंने उसको सेल कर दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जब पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।